पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें ली, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। ओए तारा सिंह फिर से आ गया। ओए आज आप लोगों से मैंने कुछ दिल की बातें शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि जो अपनी टिकट 1 लाख से ज्यादा बिकी थी, अब वो 2 लाख से भी ज्यादा बिक चुकी है। बहुत सनसनी फैली हुई है कि गदर 2 कैसे हिट हो रही है। तो मार्केट में मेरे चाहने वालों, इतनी खलबली मची हुई है कि गदर 2 की एडवांस में बुकिंग एडवांस से बुकिंग होती जा रही है। और आपको पता है कि कल 1 तारीख नहीं 11 तारीख है, तो पब्लिक इतनी बेताब है फिल्म देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है, पहले मेरे एक बार फिल्म भी आई थी बेताब, अब वही माहौल बना हुआ है बेताबी का। लोग गदर 2 के लिए इतने बेताब हो चुके हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि भागा दौड़ी चल रही है कि गदर 2 आ रही है। ओए ये बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और मेरे पापा जी का तो आशीर्वाद हमेशा से रहता है। पापा तो आप भी अपने पापा अपने घर वालों के साथ जाइए और गदर 2 का मजा लीजिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में गदर 2 के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। हाँ दोस्तों, गदर 2 की टिकट आपको अब कम दामों में मिलेगी। गदर 2 गदर मचा रही है, यो छोरा गदर मचावेगा। तो दोस्तों, तारा सिंह की खुशी तो आप सब देख ही रहे हैं। बाकी आप जब इस फिल्म को देखने जाओगे और आप इस फिल्म को देख के बाहर निकलोगे, तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे। ये सब मेरी मेहनत है और आप सबका प्यार है, जो 22 साल के बाद गदर 2 फिर से आई है। और जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबको बता दूं कि पाकिस्तान में भी इतने लोग हैं जो गदर 2 को प्यार करते हैं। ये एक फिल्म है दोस्तों, आप लोग आपस में क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? गदर 2 एक प्यार का प्रतीक है। भारत में पहले भी इतनी सारी फिल्में आई है जिनमें एक जाति का दूसरी जाति के प्रति प्यार दिखाया गया है। तो आप इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के वास्ते देखें, ना कि जाति धर्म के वास्ते, ठीक है दोस्तों? और पाकिस्तान के जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, फालतू के दुश्मन, वो इस फिल्म को इतना गाली दे रहे, इतने कह रहे कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, ये फिल्म तो पहले से हिट हो चुकी है। इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया है। मेरी जनता का प्यार है और मेरे फैंस का प्यार है। और जो ये लोग तारा सिंह को गाली दे रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब शेर चलता है कुत्ते तो भौंकते ही हैं। मेरी जनता ने इतना प्यार मुझे दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब ये शेर बब्बर शेर हो चुका है, बब्बर शेर। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।